हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट सिंस मोर देन 15 इयर्स एट ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। हमारे एक व्यूअर्स का क्वेश्चन आया है कि क्या मैडम हर आईवीएफ साइकिल में एचएसजी टेस्ट करना ज़रूरी है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहती हूँ कि आईवीएफ की जो प्रोसीजर है उसमें जो भी ओसाइट होते हैं उसको हम रिट्राइव करते हैं यहाँ से, और एचएसजी प्रोसीजर जो है दैट इज़ अ प्रोसीजर जहाँ पे हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी यानी कि फेलोपियन ट्यूब आपके ओपन है या नहीं है, या तो अगर क्लोज है तो दोनों में से एक फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है या दोनों ब्लॉक है, वो पता करने के लिए एचएसजी टेस्ट किया जाता है। हमारा एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें पूरी डिटेल में मैंने समझाया है कि वॉट इज़ एग्जैक्टली हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी टेस्ट। सो बेसिकली अभी एचएसजी टेस्ट मैंडेटरी नहीं है। जो भी पेशेंट है जो आईवीएफ का ट्रीटमेंट ऑप्ट कर रहा है, या तो जो भी पेशेंट में आईवीएफ इंडिकेटेड है, वैसे पेशेंट में एचएसजी टेस्ट करना मैंडेटरी यानी कंपलसरी नहीं है। लेकिन यदि आपका इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट चल रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका सपोज़ आपको आईयूआई ट्रीटमेंट या तो नेचुरल साइकिल वगैरह एक्सप्लेन किया है, तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपका एचएसजी टेस्ट ऑलरेडी हो चुका हो सकता है। लेकिन अगर आप आईवीएफ ट्रीटमेंट में जा रहे हो तो ऐसा कोई कंपलसरी या तो मैंडेटरी नहीं है कि आपका फेलोपियन ट्यूब टेस्ट करना ज़रूरी है। यदि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन आईवीएफ की जो ट्रीटमेंट है उसमें फेलोपियन ट्यूब बाईपास हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपको पता है कि नेचुरल जब भी प्रेगनेंसी रुकता है तो यहाँ पे जैसे ओवरीज में ओसाइट डेवलप होता है, फॉलिकल डेवलप होता है, ओव्यूलेशन होता है, यहाँ पे जो है स्त्री बीज फेलोपियन ट्यूब में जाता है, दिस इज़ अ स्पेस फॉर इंटरकोर्स, और यहाँ पे जो स्पर्म रिलीज होते हैं वह स्पर्म की अगर मोटिलिटी अच्छी है तो सारे स्पर्म्स यहाँ पर जाकर फेलोपियन ट्यूब तक पहुँचते हैं। सो जब भी आप नेचुरली प्लानिंग करते हो तो यहाँ से स्त्री बीज, यहाँ से पुरुष बीज आता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर एम्ब्रियो डेवलप होता है, और फिर वो एम्ब्रियो बच्चेदानी के अंदर की जो लाइनिंग है वहाँ पे उसका इम्प्लांटेशन होकर प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है। लेकिन जब भी आपका आईवीएफ ट्रीटमेंट चल रहा है तो आईवीएफ ट्रीटमेंट में जो स्टेप आपका फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है वह स्टेप आपका आईवीएफ लेबोरेटरी में होने वाला है। सो फेलोपियन ट्यूब ओपन है, ब्लॉक है, इससे आईवीएफ ट्रीटमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सो इसके लिए एचएसजी टेस्ट जो भी पेशेंट आईवीएफ ट्रीटमेंट में जा रहा है उनके लिए कंपलसरी नहीं है। सो जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा है शायद आपको उसका जवाब मिल गया होगा। आपकी और कोई क्वेरीज है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और हम जल्दी कोशिश करेंगे उसका आंसर देने के लिए। थैंक यू।